हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ हैंगिंग वाइन प्लांट शेयर करूंगी, जिसे आप इंडोर लगा सकते हैं, अपने घर के अंदर की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। इंडोर कुछ पौधे अगर हम लगा लेते हैं तो घर की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है, इसीलिए कुछ एक पौधे ज़रूर हम अपने घर के अंदर की हवा को शुद्ध करने के लिए लगाते हैं, और जब वो हैंगिंग बास्केट में लग जाए तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन से पौधे ऐसे हैं। ऐसे 10-12 पौधे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है देन एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल में आज पहली बार विजिट कर रहे हैं और इस तरीके के वीडियोस देखना पसंद करते हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल बटन, जिससे कि जब भी मैं इस तरीके की वीडियोस आपके साथ शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हो गई, अब फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिसे कि हम हैंगिंग बास्केट में लगा के अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें से सबसे पहला जो पौधा है वो है ये वांडरिंग ज्यू। आप देख सकते हैं वांडरिंग ज्यू काफ़ी खूबसूरत दिखता है, इंडोर चलने के लिए काफ़ी अच्छा पौधा है, लेकिन फ्रेंड्स इसे कंप्लीट शेड में रखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होता है। इसे आप थोड़ी सी ऐसी लाइट में रखिए जहाँ की छन छन के धूप आती रहे, तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है, इजीली मरता नहीं है। एक बार लगाने के बाद ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। इसकी लंबी लंबी जो ये टहनियाँ होती है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, और जैसे जैसे प्लांट पुराना होता है इसकी टहनियाँ और लंबी होने लगती है तो और भी ज़्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। कटिंग से लगातार लगाते रहेंगे तो ये प्लांट हमेशा ही आपके गार्डन में फ्रेश रूप में बना रहेगा और काफ़ी अच्छा सा लुक देगा हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ, क्योंकि इसके जो ये कलर है पत्तियों के, ये हमारे गार्डन में एक डिफरेंट कलर ऐड करता है। अगला पौधा है फ्रेंड्स मनी प्लांट। मनी प्लांट एक बहुत ही कॉमन सा प्लांट है जो कि हम सब लगभग लगाते हैं, तो इसमें कई तरह की वैरायटी आती है। एक आप देख सकते हैं मार्बल क्वीन मनी प्लांट है, मेरे पास ये गोल्डन मनी प्लांट है, और एक नॉर्मल ग्रीन वैरायटी जो होती है वो भी है। तो मनी प्लांट की चाहे कोई भी वैरायटी हो, हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ काफ़ी खूबसूरत लगता है, और इसकी जब टहनियाँ कुछ इस तरीके से लटकती है देन ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, एक बार गार्डन में आने के बाद इजीली ख़त्म नहीं होता है, तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। जो ग्रीन वेराइटी है उसे आप कंप्लीट शेड में रख के ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो मार्बल क्वीन मनी प्लांट है और गोल्डन मनी प्लांट है इनको हल्की सी छन के धूप में रखेंगे तो इनका जो कलर है वो उभर के आता है। थर्ड नंबर में जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है ये श्रिंग ऑफ बनाना। आप देख सकते हैं इसकी लंबी लंबी टहनियाँ काफ़ी खूबसूरत दिखती है, इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ होती है जो दिखने में कुछ हद तक बनाना की तरह ही दिखता है, जो कि केले का रूप लेके ये पौधा ग्रो होता है। इसकी टहनियाँ, इसकी लंबी लंबी टहनियाँ जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती देता है। ये एक सकुलेंट प्लांट है जो कि पानी की रिक्वायरमेंट कम मांगता है, बट इंडोर बहुत अच्छी ग्रो हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से, तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। कटिंग से भी ये प्लांट बहुत जल्दी लग जाता है, और अगर आप इसे तेज़ धूप और बारिश के मौसम में ओवर वाटरिंग और विंटर सीजन में कोहरे से बचा सके तो ये प्लांट पूरे पूरे साल आपके गार्डन में रहेगा, और इसी तरीके से लंबी लंबी टहनियों के साथ आपके गार्डन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाए रखेगा। इसके बाद फ्रेंड्स एक और प्लांट है जो कि है सकुलेंट प्लांट है, जो कि है सीडम का प्लांट। इसकी भी टहनियाँ कुछ इस तरीके से लंबी लंबी नीचे की तरफ लटकने लगती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। ये भी सकुलेंट है इसीलिए पानी की रिक्वायरमेंट कम रखता है, और इसकी एक पत्ती से भी आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। सकुलेंट में काफ़ी हार्डी प्लांट में से एक है, तो ये भी हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ काफ़ी सुंदर लगता है, इंडोर बहुत आसानी से चल जाता है। ऐसी जगह रखिए जहाँ की हल्की फुल्की छन के धूप आती रहे, तो देन ये पौधा अपनी स्पीड से ग्रो होते रहता है। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन की भी इस तरीके की लंबी लंबी टहनियाँ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती देती है। इसमें कई रंगों के प्लांट आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होता है और सबसे खूबसूरत दिखता है वो है ये ग्रीन वाली वेराइटी। बट आप तीनों मिक्स करके लगा सकते हैं जैसे कि मैंने लगा रखा है, और काफ़ी खूबसूरती देता है ये पौधा, और इंडोर बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है, बट कम्प्लीट शेड में ये पौधा नहीं चलता। इसे
से भी हल्की धूप की ज़रूरत पड़ती है, छन छन की धूप आती रहे ऐसी जगह अगर आप इस पौधे को लगाते हैं देन इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। तो इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगला पौधा है फ्रेंड्स स्पाइडर प्लांट, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट में से एक माना गया है। ये भी हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए सबसे बेस्ट है। हैंगिंग बास्केट में लग के ये जो इस तरीके के इसमें रनर्स निकलते हैं जिसमें काफ़ी सारे प्लांट्स आप देखेंगे बन रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। काफ़ी सारे रनर्स आप देख सकते हैं मेरे इन प्लांट में भी बना हुआ है। तो ये प्लांट है हाउस प्लांट के रूप में सबसे बेस्ट है। हैंगिंग बास्केट में लगा के इस प्लांट को आप घर के किसी भी एरिया में ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ की ब्राइट लाइट और अच्छा एरेशन हो। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है बेबी टीयर्स। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी छोटी छोटी बारीक बारीक सी पत्तियाँ, इसी वजह से इसको नाम पड़ा है बेबी टीयर्स, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और कटिंग से बहुत आसानी से भी लग जाता है। साथ ही साथ ये पानी की रिक्वायरमेंट कम रखता है और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। मैंने जस्ट इतनी सी ही कटिंग इसकी लगाई थी और अभी काफ़ी बड़ा ये पौधा हो गया है, तो कटिंग से ये पौधा बहुत आसानी से लग जाता है, जो कि हैंगिंग बास्केट में लगा के आप एक खूबसूरत सा गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है वॉलिवियन ज्यू, जो कि वाइन प्लांट में से एक है। काफ़ी खूबसूरती देता है हमारे गार्डन में, इस तरीके से पूरा का पूरा बास्केट को ये कवर कर लेता है और बहुत ही खूबसूरत इसके लुक आता है छोटी छोटी कटिंग से भी ये पौधा लग जाता है और पूरे पूरे साल हमारे पास बना रहता है। विंटर सीजन में डलनेस आ जाए तब आप इसकी कटिंग फिर से ग्रो कर लीजिए और बहुत ही खूबसूरत प्लांटर कुछ ही दिनों में बन के तैयार हो जाता है। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है टैंगल हार्ट। टैंगल हार्ट भी एक खूबसूरत वाइन प्लांट है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी इसकी टहनियाँ हो जाती है और इसको भी कटिंग से लगाना बहुत आसान है। अगर आपने आउटडोर रखा देन ये पौधा ठंड से ख़राब हो जाता है, यानी विंटर सीजन में ख़राब हो जाता है, बट अगर आप इसे इंडोर रखते हैं कंप्लीट इंडोर देन ये पूरे पूरे साल इसी तरीके से बना रहता है, जो कि इसकी लंबी लंबी टहनियाँ आपके गार्डन में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती देते रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन की कुछ कटिंग मैंने लगा के रखी है, तो ये प्लांट भी फ्रेंड्स ऐसा है जो कि लंबी लंबी टहनियाँ इसकी भी होती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है जब नीचे की तरफ लटक रही होती है। तो इसे भी आप इंडोर ग्रो करके आप हैंगिंग बास्केट में लगा के अपने हैंगिंग गार्डन बना सकते हैं, खूबसूरत इंडोर गार्डन बना सकते हैं। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है सिंगोनियम का। आप यहाँ पे देख सकते हैं वैसे तो सिंगोनियम के ढेर सारे पौधे मैंने अपने पॉट में लगा के रखा है, बट इस पौधे को भी आप अपने हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरती देता है। हैंगिंग बास्केट में भी ये पौधा जब लटकते हुए नीचे ग्रो होता है देन बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हैंगिंग बास्केट में लटकते हुए कुछ पौधे आज मैंने आपके साथ शेयर किए, जिसे लगा के आप खूबसूरत इंडोर गार्डन क्रिएट कर सकते हैं, घर के अंदर की खूबसूरती को इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनमें से अगर कुछ पौधे भी आपने लगा लिया देन आप अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएँ जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।